निराला ये पंचम वेद निराला
नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती श्री गणेशाय नमः श्री
सरस्वत्यै नमः। श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। रमतीत राम गुरुदेव जी उन्हि तिहुं काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बारे अनंत। रमता राम रु संत गुरु मोर शीश निधान ताकू वंदन प्रेमयुत करे दास भगवान। सभी रसायन हम करी नहि नाम सबको यम रंचक घट में संचरे तो सब तन कंचन हो यम। करारविंदे न पदारविंदम मोखारविंदे विनिवेशयन्तम् दादा।
चरण जी महाराज की स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की शाहपुरा धाम की भागवत महापुराण की सदगुरु अनंत विराट विश्वात्मा जगत नियंता सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद पूर्ण परब्रह्म परात्पर मौन मनोरंजन भवभय भंजन दुष्ट निकंदन कोटि कष्ट भंजन खलदल गंजन गोपी जनरंजन भक्त जनरंजन चित चोर चंदन साधु जनरंजन
नंदनंदन सुदानंदन कुन्मुखं व्रजन् चन्द्र श्री श्याम सुंदर केसरी विग्रह भागवत जी के कल्प वृक्ष नए पाद पद्मों में कोटि शत प्रणाम प्रस्तुत करते हैं। परम श्रद्धे परम श्रद्धा अष्टप्रात स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही धर्म प्रवर्तक सप्त ब्रह्म राम के उपासक प्रचारक अनंत श्री विभूषित जगत गुरु स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज एवं बड़ा रामदारा चांदपोल के संस्थापक भजनीक उपाधि से अलंकृत नाम अनिष्ट साधना निष्ठ तपोनिष्ठ गुणनिष्ठ स्वामी जी श्री भगवान दास सिंह महाराज के पावन पाद पद्मों में वंदन। श्रीमद् भागवत की प्रणीता श्री वेद व्यास महाराज तथा राजर्षि परीक्षित के उद्धार करता परम योगी परम तपस्वी परम वीतराग परमंश परिव्राजकाचार्य स्वामी जी श्री भगवान दास श्री सुखदेव मुनि के पावन से चरणों में नमन करते हैं। श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा रसपान करने वाली कथा रस रसिक मोक्ष पिपासु जिज्ञासु भागवत प्रेमी जनों श्रद्धा वात्सल्य प्रेम त्याग सेवा समर्पण से संपन्न मेरी प्यारी माताओं ने सुक्रताल की धरती से सुखदेव मुनि के मुखारविंद से निश्रित भागवतामृत परीक्षित महाराज को जीवन मुक्त करती हुई आनंदवन हरिद्वार में सनत कुमार नारदादि ऋषि मुनि को आनंदित कराती हुई नैमिषारण्य की पावन धरा में सूक्त सनकों को आह्लादित करती हुई सकल लोक को पुनीत करते हुए भागवती कथा सूर्य नगरी के बासनी क्षेत्र के सरस्वती नगर के सत्संग संतोष सत्संग भवन के प्रांगण में रामचंद्र जी जाखड़ डॉक्टर रेणु चौधरी के आयोजन से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज सेमीफाइनल में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह दत्त चित्त होकर शांत दांत प्रशांत होकर आत्मसात करने की पावन वेला है। भागवत प्रेम शास्त्र है। प्रेम शाश्वत है, अखंड है, अपरिवर्तनशील है, अविनाशी है, अखंड है, अद्भुत है, अभूतपूर्व है, ऐसा सुंदर प्रेम स्वरूप भागवत ग्रंथ को आत्मसात करने से प्रेम की पूर्णता का हमें बोध होता है, ऐसा ये भागवत ग्रंथ। भक्ति ज्ञान वैराग त्याग से परिपूर्ण कराने वाला यह भागवत ग्रंथ सकल लोक को आनंदित करने वाला प्रसन्न चित्त करने वाला सच्चिदानंद को बोध कराने वाला
आनंद से सराबोर करने वाला परमानंद की अनुभूति करवाता है ये भागवत ग्रंथ। साधकों, इंद्र के मान को मर्दन करने के लिए, इंद्र के अभिमान को चूर चूर करने के लिए नंद बाबा को निर्देश देते हुए गोवर्धन की पूजा करवाई। जो कुछ भगवान ने बनवाया उन ब्रजवासियों ने गोवर्धन को समर्पित किया और भगवान गोविंद गोवर्धन के रूप में प्रकट होकर सब कुछ सेवन किया। समय बीतने पर इंद्र बड़ा कुपित हुआ, नंद के छोकरे ने मेरी प्रतिवर्ष पूजा करने वाले ब्रजवासियों से मेरी पूजा रुकवा दी, सामर्थक मेघों को आदेश देकर हाथी के सूंड के बराबर मोटी मोटी छांटों से चारों तरफ जलाकार ही जलाकार हुआ, ब्रजवासियों में त्राही त्राही मची, बैल छकड़ों में अपना अपना सामान लद कर गौवंश को सुरक्षित करने के लिए कृष्ण से पुकार करी और भगवान कृष्ण ने गिरिराज को धारण कर ब्रजवासी और गायों की रक्षा करी। 7 दिन 7 रात पर्यंत अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर ही भगवान ने 84 कोस लंबे पर्वत को धारण करके रखा। ये भगवान की सामर्थ्यता नहीं है तो क्या है? भगवान की महिमा अपरंपार है, लीला बड़ी अद्भुत है। संदेह को दूर करने वाली ये भगवान की लीला है। कम बुद्धि वाले, संकीर्ण विचारधारा वाले, संकुचित सोच वाले भगवान कृष्ण को किस एंगल से सोचते हैं ये उनकी धारणा। पर मेरे सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा, पूर्ण सामर्थ्यवान भगवान कृष्ण को कहा। हम तो हमारे घर में छोटी सी छिपकली सी को देख करके डर जाते हैं, हमारे पास से ऊंदरा निकल जाए तो भी हम घबरा जाते हैं। ऊंदरा अन्य अन्य जीव जंतुओं की तो कहना ही क्या, पर वही पूर्ण परब्रह्म परात्मा भगवान कृष्ण लगभग 7.25 वर्ष की उम्र में काल्य नाग पर चढ़ करके नृत्य करके हमें अभयता का बोध करवाया कि भगवान की पूर्णता कितनी जबरदस्त है।
लगभग 7 वर्ष की उम्र में 84 कोस लंबे चौड़े पर्वत को भगवान ने केवल इस कनिष्ठिका पर 7 दिन और 7 रात तक धारण करके रखा। हालांकि ब्रजवासियों ने अपने अपनी तरफ से लकड़ियों के टेके दिए और भगवान ने भी संपूर्ण ब्रजवासियों को ही सराहा, आप सभी लोगों ने लकड़ियों के टेके देने की वजह से ही मैंने गोवर्धन को धारण किया। ये भगवान का बड़प्पन है। भगवान की सामर्थ्यता के सामने लकड़ी का टेका देने का महत्व ही क्या है? ये तो तुच्छ सामर्थ्यता है। अपार सामर्थ्यता और पूर्ण सामर्थ्यता के सामने हम सभी लोगों का सामर्थ्य कोई काम का नहीं, फिर भी हम अपने सामर्थ्यता से कोई महती कार्य हम हमारे द्वारा संपन्न होता है तो इसमें भी भगवान की सामर्थ्यता का ही देन है। उनकी ही वजह से हमारा कार्य संपन्न होता है। साधकों, बेचारे सामर्थक मेघ खाली हो गए 7 दिन के बाद, सामर्थ्यहीन हो गए। भगवान की सामर्थ्यता के सामने इंद्र है ही क्या चीज, सामर्थ्यहीन होना ही था। मेघ भी सामर्थ्यहीन हो गए। इंद्र देवता ने ब्रजवासियों की विशालता देखकर